आपको पता है कलीसिया क्यों बनी है? आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको कलीसिया में क्यों बुलाया है? यीशु मसीह क्यों मरा है? हमें पापों शापों से मुक्त करने के लिए। क्या सिर्फ मुक्त करने के लिए, उसके बाद उसकी ड्यूटी खत्म? हमारे पाप क्या कर रहे थे जो उसे मुक्त करना पड़ा? आप समझने की कोशिश करिए। हमारे पाप हमारे अंदर पाप लेकर आ रहे थे, व्याकुलता लेकर आ रहे थे, डर लेकर आ रहे थे, हमारी जिंदगी बिल्कुल दूभर होती है ना, यही था ना। यीशु मसीह आए और उन्होंने शुद्ध किया, हमारे पापों श्रापों से शुद्ध किया। लेकिन क्या अभी हम बिल्कुल व्याकुल नहीं होते? क्या हम बिल्कुल ठीक हैं? क्या हम आशीषित हैं? क्या हम जीवन का हर सुख भोग रहे हैं? तो क्या मतलब हुआ फिर पाप का? पाप का यीशु मसीह निकालने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सोचता हूं, मेरे कलीसिया में जितने भाई बहन आ रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं। अगर मेरे कलीसिया में भाई बहन आ रहे हैं और वो आज भी कर्जे में हैं, वो आज भी दिक्कत में हैं, वो आज भी किसी से मांगते हैं, उधार मांगते हैं, आज भी वो अपना किराया नहीं दे पाते हैं, तो क्या यीशु मसीह ये चाहता है? नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने आपको शुद्ध किया, यीशु मसीह ने आपको पवित्र किया, यीशु मसीह ने आपको बंधनों से आजाद किया, लेकिन आप खुद को आजाद नहीं कर पा रहे। अभी तक आप चर्च में आने का मतलब नहीं समझ रहे हैं, इसलिए चर्च के वचन काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाइबल का वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा, और आप वैसे के वैसे हैं। जब आप पहले द्वार आए थे, थोड़ी बहुत चंगाई मिली, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, फिर वैसे के वैसे। इसका मतलब आप सही तरीके से कलीसिया का उपयोग नहीं कर रहे। आप आ तो रहे कलीसिया, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। जो कलीसिया चाहता है वैसे आप आ नहीं रहे, वैसे बन नहीं रहे, इसीलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है। फिर आप क्या करते हैं, कुछ महीने इस कलीसिया में, कुछ महीने उस कलीसिया में, आप अपने आप को नहीं सुधारते। आप ये नहीं कोशिश करते कि ये परमेश्वर के वचन मेरे अंदर काम करें, आप उसकी कोशिश नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा चाहता है कि आप आनंदित रहें। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2:2 पढ़िए ध्यान से। एक प्रॉमिस है, ये एक आज्ञा है फिलिपियों के द्वारा। 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आमीन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या आप सदा आनंदित हैं? क्या यहां से निकलने के बाद व्याकुल नहीं हो जाते? या अभी बैठे बैठे भी आप व्याकुल नहीं हैं? मैं कुछ कह रहा हूं और आप कहीं कुछ और आपका दिमाग जा रहा है, घर की नौकरी का क्या हो रहा है, घर का कर्जा क्या हो रहा है, पता नहीं होगा नहीं, कल का क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है सदा आनंदित रहो। आनंदित का मतलब समझते हैं? हर पल खुशी से आप बिताएं, हर पल आपके जीवन में खुशी हो, शांति हो, आनंद हो। आप अपने से पूछिए क्या आप ऐसा बिता पा रहे हैं? लेकिन बाइबल कहती है आप ऐसा बिता सकते हैं। बाइबल कह रही है कि आप ऐसा बिता सकते हैं, इसलिए कलीसिया रखा गया है। आप क्यों नहीं बिता रहे हैं? क्यों आप सदा आनंदित नहीं हैं? क्योंकि आप वचन को नहीं समझ रहे हैं।
मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये मेरे वचन यूट्यूब पे भी जाते हैं, उनको सुनिए। अगर आपको समझ नहीं आता मुझे फोन करिए, और अगर फिर भी आप चाहते हैं तो मेरे लीडर्स आपके घर में आएंगे और वो आपको आपके आपको वचन बताएंगे। हम तो इतना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आपको समझ नहीं आ रहा फोन करिए। मुझे आज तक इतने सालों में अपनी कलीसिया के बच्चों का एक भी फोन नहीं आया कि मुझे ये वचन समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बाहर के लोगों का फोन आता है, बाहर के जो यूट्यूब से मेरे संग जुड़े हुए हैं उनके बहुत फोन आते हैं कि हमको ये समझ नहीं आया पास्टर, हमें ये बताइए, हमें ये बताइए। लेकिन मेरे कलीसिया से किसी का नहीं है फोन, कभी नहीं आता। मैं आश्चर्यचकित होता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, प्लीज, मैं चाहता हूं इस साल के अंत तक मेरे कलीसिया का हर भाई हर बहन आनंदित रहे। कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं हो, ना कर्ज, ना बेचैनी, ना व्याकुलता, कुछ भी नहीं हो, चाहे परीक्षाएं आए लेकिन आनंद, दुख हो आनंद। कब होगा? जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, जब आप वचन को अपना लेंगे। हालेलुया। आप बेचैन हैं क्योंकि आप भूखे हैं। हालेलुया। मैं आपको खाना परोस के देता हूं हर संडे, उस खाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं मैं पूरा वीक कि कौन से वचन आपको दूं। आपको तरह तरह की सब्जियां देता हूं, तरह तरह के उसमें चिकन देता हूं, मटन देता हूं, सब कुछ देता हूं, लेकिन आप खाते ही नहीं। आपके सामने खाना आता है बस आप देखते हैं, तालियां बजाते हैं, खाते ही नहीं आप। इसलिए आप भूखे हैं, इसलिए आप भूखे हैं, क्योंकि मैं आपको खाना दे रहा हूं और आप खा नहीं रहे। गलती मेरी है क्या? गलती यीशु की है क्या? गलती किसकी है? मैं चाहता हूं कि आप जब मेरे कलीसिया में आए तो आप किसी गाड़ी से आए। अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है तो कार हो आपके पास, आनंदित रहे। हर बार मायूस ना हो, और ऐसा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के वचन जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको आराम से समझकर आप अपना बना लें। हालेलुया। आज मैं आपको धन्यवाद के बारे में सिखाऊंगा कि धन्यवाद करना क्यों जरूरी है और धन्यवाद से हमें क्या मिलता है। थैंक यू, समझ रहे हैं एक शब्द थैंक यू? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी काम, मान लीजिए कोई आपको एक गिलास पानी पिलाता तो आप थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको धन्यवाद बोलो। क्या परमेश्वर स्वार्थी है कि वो आपको बोलता कि मुझे धन्यवाद बोलो? क्योंकि धन्यवाद आपको परमेश्वर से मिलवाता है, धन्यवाद आपको बताता है कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है आपके लिए, तभी तो आप धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद आपको एक अच्छा गवाह बनाता है कि मुझे, मेरे जीवन में परमेश्वर ने यह काम किया। तो धन्यवाद देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां एक छोटा सा दृष्टांत है, उससे मैं शुरू करता हूं। हालेलुया। लुका के पत्री 17:12-19 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर 10 कोड़ियों के बारे में बताया गया है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, परखेंगे। एक नया प्रकाशन आपको मैं दूंगा। हालेलुया, प्रभु के आशीर्वाद से जो मुझे मिला है। हालेलुया। 17, लुका का 17:12, जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कोड़ी उसे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा कि हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याचकों को दिखाओ।
और ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने जब देखा कि मैं चंगा हुआ तो ऊंची आवाज से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिरा। वो एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वो 9 कहाँ गए? क्या इस परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर की महिमा देता? उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इंग्लिश में लिखा है, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, तुझे बचाया है। आमीन। 10 कोढ़ी खड़े हुए थे जो कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ध्यान दीजिए, आप देखिए किस स्थिति में उन्होंने मांगा, कैसी स्थिति में उन्होंने मांगा, हम कैसी स्थिति में मांगते हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में यीशु को महिमा दी, ऊंची आवाज में पुकार कर अपनी प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। हम कोढ़ी हैं, हम पर दया कर, ऊंची आवाज में। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाकर अपने याजक को दिखाओ, तुम चंगे हो जाओगे। और वो जाते जाते चंगे हो गए। 15वां वचन क्या कहता है? 15वां लुका 17:15। तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। आमीन। कैसे लौटा? हेलो, ऊंचे शब्द से, जिस ऊंची आवाज में उसने मांगा था, जिस तड़प से उसने मांगा था, जिस विश्वास से उसने मांगा था, उसी तड़प से, उसी ऊंची आवाज से उसने धन्यवाद कहा। यही हम चूक जाते हैं। आमीन। हम दुहाई देते हैं, ऊंची आवाज में मांगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु दया कर, मेरी बीमारी दया कर, मुझ पर यह कट जाए, दूर हो जाए, दया कर, ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन जब काम हो जाता है तो हमारी आवाज नीची हो जाती है। यहां सबसे बड़ा प्रकाशन यही है कि वह ऊंची आवाज में बुला रहे थे और जब उनको चंगाई मिली तो वह एक सामरी ऊंची आवाज में महिमा देता हुआ आया। आमीन। ऊंची आवाज में। आमीन। हम ऊंची आवाज में धन्यवाद नहीं देते। और क्या कहा है ईश्वर से? देखिए, 9 के 9 गए थे, उनको चंगाई मिली, लेकिन जो 10वां आया उसे चंगाई भी मिली और जब ऊंची आवाज में उसे धन्यवाद किया तो उसे उद्धार भी मिला। आमीन। धन्यवाद क्या देता है? आपको प्रार्थना की, आपने चंगाई ली, आपको चंगा कर दिया, लेकिन धन्यवाद आपका उद्धार भी करता है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो चंगाई के साथ साथ आप उद्धार भी पाते हैं। आमीन। उद्धार का मतलब समझते हैं आप? बाइबल में सबसे पहला प्रॉमिस किया है, पता है आपको? नए नियम में, सॉरी, नए नियम में सबसे पहला प्रॉमिस किया है, मत्ती 1:21 पढ़िए। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल में, नए नियम में पहला प्रॉमिस ये नहीं कि यीशु मसीह आपके पापों से आपको क्षमा करेगा। बाइबल में सबसे पहला प्रॉमिस ये नहीं कि यीशु मसीह आपको नरक से दूर करेगा। वो क्या कहता है? यीशु उसका नाम है और वो आपके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब समझते हैं? आपको बचाएगा। हेलो, इसमें ये नहीं लिखा पापों की क्षमा देगा, ये बात की बात है। वो आपको पापों से बचाएगा। हेलो, आप लोग खुश नहीं हुए? आप समझिए इस वचन को।
अगर आप यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, अगर यीशु मसीह ज्योति के रूप में है, अगर यीशु मसीह आपके रूप में, आपसे पाप करने नहीं देगा, वो आपको आपका पाप से बचाएगा। हेलो, आप समझ नहीं रहे हैं? वो पापों की क्षमा बात की बात है, वो आपसे पाप नहीं होने देगा अगर आप यीशु मसीह के वचन पर हैं। अगर उसकी ज्योति आपके अंदर है, आप पाप नहीं कर सकते। वो आपको पाप से बचाएगा। हेलो, आमेन। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें नरक जाने से बचा। अरे नरक तो बात की बात है, जब आप 20 साल के बाद मरेंगे तब की बात है, आज का क्या? आज तो प्रार्थना करिए, मुझे पाप से बचाए, क्योंकि मैं देखने में भी मेरा पाप है, सुनने में भी मेरा पाप आता है, मैं जब बोलता हूं तो गलत चीजें बोल जाता हूं। इसलिए जब यीशु मसीह ज्योति के रूप में आपके अंदर है, तो उसका प्रॉमिस है कि वो आपको पाप करने से बचाएगा। आमेन। वो है यीशु, इसलिए उसको धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें पाप करने से बचाएगा, क्योंकि उसके नाम में, उसके नाम का यही मतलब है। आमेन। तो जो कोढ़ी था, जब आया उसने प्रार्थना की ऊंची आवाज में, और उसने प्रार्थना की तो उसे चंगाई मिली, लेकिन जब उसने धन्यवाद दिया तो उसका उद्धार हुआ। आप जब धन्यवाद देंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आपका उद्धार होगा, आप बचाए जाएंगे। इसलिए हर पल जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया है, उसका धन्यवाद दीजिए। घर से निकलते हैं और आप समोसे बेचने के लिए, आपके 500 समोसे बिक गए, धन्यवाद दीजिए, और धन्यवाद के साथ साथ प्रार्थना करिए कि परमेश्वर 500 समोसे मैंने बेचे हैं, जितने 500 भाई बहन का आशीष पाए, आशीष पाए, ये समोसा किसी को बीमार ना करे। मैं जिस दिन यीशु आपके अंदर होगा ना, उस दिन आप अपने लिए नहीं जिएंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे, आप दूसरों के लिए जिएंगे, आप दूसरों के लिए जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपने लिए नहीं जिया, वो दूसरों के लिए जिया। आमेन। अपने लिए नहीं जीना है। भजन संहिता 50:23, धन्यवाद का मतलब क्या है? हालेलुया। साम 50:23, पढ़िए। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद को का बलिदान करने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमेन। हालेलुया। मेरी बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तो वो बलिदान आपके लिए रास्ता खोलता है, और उस रास्ते से परमेश्वर का उद्धार मिलता है। आमेन। उस रास्ते से, वो रास्ता आपने आपने धन्यवाद के संग रास्ता खोला, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं मेरे भाई, तो मैं क्यों धन्यवाद दे रहा हूं, किसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं, किसको धन्यवाद दे रहा हूं मेरे बहन, ये समझना जानना जरूरी है। आप किसको बोल रहे हैं, उससे आपका रिश्ता क्या है? धन्यवाद आपका रिश्ता परमेश्वर के संग मजबूत बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर को महिमा देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशापात एक राजा था। देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, यहोशापात का उदाहरण बहुत अच्छा है। दूसरा इतिहास 20:2 पढ़िए। कई राजाओं ने उसको घेर लिया था,
कई राजाओं ने यहोशापात को घेर लिया था। यहोशापात परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर का भय मानता था, हालेलुया, लेकिन डरता था। उसको बहुतों ने घेर लिया। यहोशापात 20:2 पढ़िए, दूसरा इतिहास 20:2। तब कुछ लोगों ने आकर यहोशापात को बताया कि समुद्र पार अर्थात सीरिया देश से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने को आ रही है, और देख वो हसासोन तामार अर्थात एन गदी में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ी भीड़ आ रही है, एक बड़ी सेना आ रही है तेरे सामने और तुझे युद्ध के लिए करने के लिए। वो डर गया। बारवां वचन इसी का, बारवां देखिए, वो परमेश्वर के पास आता है। हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे परमेश्वर को पाएं, हम कैसे परमेश्वर का आशीष पाएं, बहुत जरूरी है। सीखिए इस प्रार्थना से, 12:20। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनको दंड ना देगा? क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है निर्बल हैं, और हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं। ये दो बातें, आमेन, हालेलुया, दो बातें जब आप प्रार्थना में उसे बताते हैं कि मैं निर्बल हूं, मैं बल नहीं है मेरे पास। जब आप परीक्षा में प्रार्थना करते हैं उससे कहते हैं आई एम निर्बल, वो कहता है हम निर्बल हैं और मुझे कुछ सूझता नहीं, यानी कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। ये दो बातें जब आप अपनी प्रार्थनाओं में लेकर आएंगे, यहोशापात लेकर आया कि प्रभु हम निर्बल हैं, हम में बल नहीं है, आमेन, और हमारी बुद्धि नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम कौन सा कदम उठाएं, हम कैसे करें, कैसे अपनी लड़ाई लड़ें। हालेलुया, क्योंकि हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हुई हैं। आमेन। जिस दिन हम अपनी प्रार्थनाओं में इस विश्वास को लेकर आएंगे, जिस दिन हम अपनी प्रार्थनाओं में उसे ऊंचा उठाएंगे, हम निर्बल हैं, तू बलवान है। आमेन। तू बलशाली है, तू सर्वशक्तिमान है, तू कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव करने वाला तू है। प्रेज द लॉर्ड। मुझमें बुद्धि नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मैं किसके पास जाऊं, किस दिशा में जाऊं, किस आदमी का दरवाजा खटखटाऊं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। आमेन। तब एक आंसर आएगा आपको, 17 पढ़िए, 17 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 17, यहां तुझे लड़ना नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है, यहां तुझे लड़ना नहीं होगा। हे यहूदा और यरूशलम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से छुटकारा देखना। जिस दिन हम उसके पास छोड़ते हैं, जिस दिन हम उसे कहते हैं कि मैं निर्बल हूं, यहोशापात ने कहा कि मैं निर्बल हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि तेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। आमेन। आपके जीवन की हर लड़ाई परमेश्वर की है, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से। इसलिए जो भाई आपके सामने दिखता है उससे लड़ाई मत करिए, उसके अंदर जो स्पिरिट है ना उसको भगाइए। ये आदत बना लीजिए अपनी। आप किसी के ऑफिस में जाते हैं अपने हक मांगने के लिए, कुछ उससे वाद विवाद करने के लिए, जाने से पहले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए कि जो भाई है इसके अंदर से कंफ्यूजन की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, गुस्से की आत्मा निकल जाए, लालच की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और जब मैं बोलूं तो वो प्रेम की आत्मा उसके अंदर आए, समझ की आत्मा आए। ये प्रार्थना करके जाइए, देखिए यार, ये प्रार्थना करिए, आपके पास अधिकार है। आदमी जो सामने दिखता है वो गलत नहीं है, उसके अंदर जो गलत स्पिरिट है वो गलत है, और उसको निकालने का अधिकार मेरे पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शरीर से जुड़िए, आपके पास वो सारे अधिकार आ जाएंगे जो यीशु के पास है। समूह मत बनिए, चर्च में समूह मत बनिए कि आए गए, बॉडी बनिए,
जिस दिन हम शरीर बन जाएंगे ना, वो अधिकार जो यीशु के हैं वो आप यूज करेंगे, और फिर जब आप शरीर में होंगे तो उन्नति आप पाएंगे, क्योंकि आप उन अधिकारों का उपयोग करेंगे। शैतान आपके नीचे होगा, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितना नॉलेज आप बाइबल का अपने अंदर ले लेंगे, जितना नॉलेज, शैतान आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। आपकी तरफ क्यों देख रहा है पता है? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। वो इसलिए देख रहा है कि आपको बेवकूफ बनाए, आपको फिर षड्यंत्र में फंसाए। आपके पास ज्ञान नहीं, इसलिए वो आपको आपको बहका रहा है, झूठ बोल रहा है, संदेह लेकर आ रहा है। हालेलुया। तो यहां पर वो क्या कहता है परमेश्वर, कि लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई मेरी है, तू बस छुटकारा देखना। हालेलुया। अब इसी का 21:22 देखिए, उसने सेना तैयार की, बड़े बड़े सेना तैयार की मुआबियों से, और जो जो देश उसको उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे उन सबसे लड़ने के लिए उसने सेना तैयार की। लेकिन क्या किया उसने, देखिए 21:22। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। आमेन। हालेलुया। आमेन। इससे बड़ा धन्यवाद कोई नहीं हो सकता। उसके सेनापति थे, युद्ध वाले थे, लेकिन उन सबके सामने, उनसे आगे याजकों को रखा उसने, और वो उसकी महिमा करते जा रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। आमेन। सोचिए, ये हमने सीखना है। वो सेनापतियों के आगे याजकों को रख रहा है। 22:22 भी पढ़ो। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मुआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमेन। वचन को दोबारा पढ़िए। जिस समय वे गाकर, जिस समय ध्यान दीजिए, जैसे ही उन्होंने धन्यवाद की स्तुति करनी शुरू की, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर को महिमा देनी शुरू की, अपनी परीक्षा में, अपने दुख में, अपने सताव में, जिस प्रकार, जैसे ही, वैसे ही परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया। आमेन। मेरे पास कई ऐसे भाई आते हैं कि पहले परमेश्वर मेरा जीवन में काम करे, उसके बाद मैं मानूंगा। आप परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। जिस प्रकार, जैसे ही यहोशापात ने याचकों को बोला, जैसे ही याचकों ने स्तुति आराधना शुरू की, वैसे ही परमेश्वर ने काम शुरू किया और जो दुश्मन थे उनको मार दिया। आमेन। हालेलुया। ये है धन्यवाद का ताकत, ये है धन्यवाद की ताकत मेरे भाई मेरी बहन, ये है ताकत। हालेलुया। आप बाइबल को समझिए, आप बाइबल के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करिए रोज, आप आशीष पाएंगे। आप जब बीमार होते हैं तो कैसे मांगते हैं? परमेश्वर ने कहा है, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 12:8-10, पौलुस को बीमारी थी, एक कांटा चुभा हुआ था पौलुस ने, और पौलुस ने परमेश्वर से प्रार्थना की, एक बार की, दो बार की, तीन बार की, मांगता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था, वो भी बीमार था, हालेलुया, उससे मांगता रहा। पढ़िए 8वां पढ़िए। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 1 मिनट। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक मांगा पौलुस ने, कब तक अपनी बीमारी के लिए उसने प्रार्थना की? 3 बार। जब तक वो परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, उसको 3री बार में परमेश्वर ने जवाब दे दिया। अगर आपके जीवन में आप मांग रहे हैं, जब तक परमेश्वर जवाब नहीं देता, मांगते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हालेलुया, परमेश्वर से मांगा।
कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं चंगा नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको आप चाबी दे रहा हूं, एक जिसके पास बुद्धि है वो चाबी को रख ले। जब आप बीमार हों कैसी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे बीमारी से मुक्त कर। जब आप किसी परीक्षा में हैं, आप किसी गलत शताब में हैं, आप किसी परीक्षा में हैं, आप कैसे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे इस परीक्षा से निकाल। एक बार प्रार्थना करेंगे, दो बार प्रार्थना करेंगे, तीन बार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे इस बीमारी से निकाल। आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? क्या आपकी प्रार्थना पौलुस जैसी नहीं होनी चाहिए? क्या आपकी प्रार्थना पौलुस जैसी नहीं होनी चाहिए? या तो मुझे चंगा कर और या मुझे अनुग्रह दे। आमीन। पौलुस क्यों चुप हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया। जब तक अनुग्रह नहीं दिया वो चुप नहीं था, वो मांग रहा था मुझे मेरे कांटे से मुझे निकाल, मेरी बीमारी से मुझे निकाल, मेरी बीमारी से मुझे निकाल। उसने कहा मेरे लिए मेरे पास तेरा अनुग्रह ही काफी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मान लीजिए किसी समस्या में, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, मांगिए, वो देगा, करेगा। आप परमेश्वर के बंदे हैं, वो बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, आपको निकालेगा वहां से। और उससे मांगिए, अगर आप नहीं निकालते हैं तो मुझे अनुग्रह दे। दो में से एक काम कर, क्योंकि वो तेरा चरित्र है, क्योंकि वो तेरा चरित्र है। या तो मुझे चंगा कर या मुझे अनुग्रह दे। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह मेरे लिए है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह आपको वो रास्ता है, अनुग्रह आपके लिए वो बुद्धि है जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मांगिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद की आत्मा से मांगिए। अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसे याद करके रोज धन्यवाद दीजिए। आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, परमेश्वर का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर शक्ति लेकर आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी वक्त कहते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। कुलुसियों 1:12। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। आमीन। धन्यवाद दीजिए कि आप ज्योति में उसके उत्तराधिकारी बन गए। आपका स्थान कहां था और कहां आ गया है? आप पहले एक पापी थे, अब परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं। धन्यवाद दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके हर कमजोरी का इलाज धन्यवाद है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो वचन मैंने आपको दिए हैं वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत। सिर्फ आप इन वचनों को ध्यान दीजिए, इन वचनों को समझिए, लिखा करिए, आपके जीवन में अद्भुत आशीष आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्लीज आप मेरी बात को मानिए और आशीष पाइए। आज का वचन आपको अच्छा लगा? बोलिए यीशु मसीह की। जोर से बोलिए यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। यीशु मसीह की।